पढ़ा था, वो जेनेसिस कब स्टार्ट होती है? बिफोर मतलब बर्थ, वो जेनेसिस बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो, स्पर्मेटोजेनेसिस और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं इवेंट्स इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द इवेंट्स बाय व्हिच स्पर्मेटोगोनिया आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर स्पर्म्स। स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म्स इज वन एंड द सेम थिंग। स्पर्मेटोजेनेसिस एट बर्थ, जर्म सेल्स इन द मेल इन्फेंट कैन बी रिकग्नाइज्ड इन द सेक्स कॉर्ड ऑफ द टेस्टिस एज लार्ज पेल सेल्स सराउंडेड बाय स्पॉटिंग सेल्स। अब इन्होंने सेक्स कॉर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, टेस्टिस में वैसे क्या होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनका ल्यूमन होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है सेक्स कॉर्ड्स, नॉट द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस। इट मीन्स दे आर सॉलिड कॉर्ड्स, उनमें ल्यूमन नहीं है। ठीक है, एट बर्थ जर्म सेल्स इन द मेल इन्फेंट कैन बी रिकग्नाइज इन द सेक्स कॉर्ड्स ऑफ द टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर क्लस्टर्स या ग्रुप्स ऑफ जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं उनकी बजाय इसमें सेक्स कॉर्ड्स हैं, सॉलिड कॉर्ड्स हैं ऑफ द ट्यूब्यूल्स जो टेस्ट की सॉरी एट बर्थ जर्म सेल्स इन द मेल इन्फेंट कैन बी रिकग्नाइज इन द सेक्स कॉर्ड्स ऑफ द टेस्टिस एज लार्ज पेल सेल्स सराउंडेड बाय स्पॉटिंग सेल्स। ठीक है, लार्ज पेल सेल्स सराउंडेड बाय द स्पॉटिंग सेल्स, ये स्पॉटिंग सेल्स है, और ये अभी ये तो न्यूमन अपियर हो गया, ये वो वाली जो स्टेज है वो फोटोग्राफ या डायग्राम जो है वो आपको नहीं मिली यहाँ पे, कहीं भी आपको मिल नहीं रही, मुझे भी नहीं मिली। एट बर्थ जर्म सेल्स इन द मेल इन्फेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज इन द सेक्स कॉर्ड ऑफ द टेस्टिस एज लार्ज पेल सेल्स सराउंडेड बाय स्पॉटिंग सेल्स। नाउ व्हाट आर द स्पॉटिंग सेल्स, जैसे आपने पढ़ा था फॉलिकुलर सेल्स जो है वो स्राउंड करते हैं वो गोनियम को, वो सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी से ड्राइव होते हैं, इसी तरह इसमें जो स्पॉटिंग सेल्स जो दरमियान में इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को सपोर्ट करेंगे, दे आर ड्राइव फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस इन द सेम मैनर एज फॉलिकुलर सेल्स, एंड दी स्पॉटिंग सेल्स इन टर्न विल बिकम द सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स को हम स्पॉटिंग सेल्स भी कहते हैं, या सस्टेंटिकुलर सेल्स ऑफ सर्टोलाइज होते हैं। So, आपने ये क्या देखा, जैसे फॉलिकुलर सेल्स जो सराउंड कर रहे थे ओवोगोनिया या ओवोगोनियम को, तो वो सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी से ड्राइव हुए थे, इसी तरह जो स्पॉटिंग सेल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमोरियल जर्म सेल्स को, आगे आप देखोगे इंटेस्टिस, दे आर ड्राइव फ्रॉम द सर्फेस एपिथीलियम ऑफ द टेस्टिस, उसी तरह से जैसे फॉलिकुलर सेल्स आए थे। स्पर्मेटोजेनेसिस अगेन, आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, एक प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, आप देखो उसका ये सेक्स कॉर्ड जो है वो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नहीं है इस वक्त, इसमें सारे के सारे ये सर्टोलाइज सेल्स या स्पॉटिंग सेल्स होंगे और प्राइमोरियल जर्म सेल्स होंगे, ये फुल होगा, फुल ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉर्ड बना हुआ है इसमें सारे के सारे फुल ऑफ सेल्स है, इसमें ल्यूमन नहीं है। इन्होंने ये लार्ज करके मैग्निफाई करके दिखा दिए। दिस इज द क्रॉस सेक्शन थ्रू द प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड ऑफ अ न्यूबॉर्न बॉय शोइंग द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एंड देयर स्पॉटिंग सर्टोलाइज सेल्स। अब ये जो आपको पेल से सेल्स नजर आ रहे हैं ये सारे जो है ये स्पॉटिंग सेल्स है, सर्टोलाइज सेल्स है, और ये आपको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स नजर आ रहे हैं जिनके अंदर आपको बड़े बड़े न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे हैं। नाउ अब ये देखिए एट प्यूबर्टी क्या होता है। एट प्यूबर्टी सबसे पहले तो ये जो कॉर्ड था, ठीक है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो था ये इसके सेंटर में ल्यूमन अपीयर होगा। अब जिस तरह से आपको ये क्रॉस सेक्शन पूरी एक सर्कुलर कॉर्ड या ट्यूब का आपको दिखाया हुआ, ट्यूब में इसलिए नहीं बोल रही कि इसमें ल्यूमन नहीं है, तो इसने इसका एक पोर्शन काट के दिखाया है, अदरवाइज ये आप इसको मूव करो ना यूं, ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में ये होगा अरेंज्ड, ठीक है, और ये जो वॉल है इसकी इसकी ट्यूब की उसकी साइड पे ये सारे इसी तरह स्पॉटिंग सेल्स और ये स्पर्मेटोजेनिक सीरीज के सेल्स होंगे, ये सारे स्पर्मेटोजेनिक सीरीज के सेल्स हैं जो कि फर्दर जैसे आपने प्राइमरी ओवोसाइट पढ़ा था, सेकेंडरी ओवोसाइट पढ़ा था, इसी तरह प्राइमरी ओवोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सॉरी ये करते करते मेच्योर स्पर्म बने हैं। क्रॉस सेक्शन थ्रू अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एट प्यूबर्टी, अब ये ट्यूब्यूबर्टी पे बता रहे हैं, ये जो ये वाली साइड जो है
ट्यूब्यूल की ये वाली ल्यूमिनल साइड है, ये इस तरह का एक पोर्शन उतार के उन्होंने मैग्निफाई करके काट के आपको दिखाया है, अदरवाइज वो भी ऐसी सर्कुलरली अरेंज्ड सेल्स है। क्रॉस सेक्शन थ्रू अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एट प्यूबर्टी, नोट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दैट डेवलपिंग स्पर्म सेल्स, दे आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ अ स्पोर्टिंग सर्कुलर सेल्स। अब वो स्पोर्टिंग सेल्स जो कि सरफेस ऑफ द डेवलपिंग गुनेट से डिराइव हुए थे, मेल गुनेट से डिराइव हुए थे, वो स्पोर्टिंग सेल्स या सर्कुलर सेल्स जैसे पीछे आपने देखा था ये पेल से है, ये अब ये भी ग्रो करके ये बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि ये देखें इरेगुलर से सेल बन गए, ये इरेगुलर से सेल बन गए हैं। आप ये देखें ये पूरा पेल येलो आप जितना भी देख रहे हो ये सारा एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये साइड पे आपको इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। अगर आप फर्दर कंसंट्रेट करो तो ये एक सेल का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस यहाँ पे ये खत्म हो रहा है इस पॉइंट पे, और ये वाला जो नेक्स्ट है ये दूसरा इस साइड पे दूसरा सर्टोलाइज सेल होगा, ये उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे जिनकी रिसेसिस के अंदर ये डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो एम्बेड हुए हैं, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है सर्टोलाइज सेल्स का, ये जो पेल सा रहा है ये सर्टोलाइज सेल है, एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक रिसेसिस बनी हुई है, उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बने हुए हैं, और उन प्रोसेसेस के अंदर ये डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया जो है डिफरेंट सीरीज जो है उसकी, इवन ये जो मेच्योर ऑलमोस्ट हो गए हैं स्पर्मेटोसाइट ऑफ स्पर्मेटेड बोल लो इनको, ये भी एम्बेडेड है इसके अंदर, फिर यहाँ से ये रिलीज होंगे अगेन, रिलीज ऑफ दीज मेच्योर स्पर्म्स, इनको यही सर्टोलाइज सेल्स असिस्ट कर रही है, ये सर्टोलाइज सेल्स इनको ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं इन मेच्योरिंग, एंड ऑल्सो दे आर प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग द रिलीज ऑफ द मेच्योर स्पर्मेटोसाइट्स इन टू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ल्यूमन इस तरफ है, ये इसकी बेस मेम्ब्रेन या इसका इसकी बेस है ट्यूब की, डिफरेंट सीरीज आपको नजर आ रही है सर्टोलाइज वो डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स की, ये जैसे स्पर्मेटोगोनियम है उनकी डिवीजन हो रही है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये अगेन मेच्योर स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड जो है वो मेच्योर हो रहे हैं इनटू मेच्योर स्पर्म्स, ये वाला एक मेच्योर स्पर्म होगा। Shortly before puberty, the sex cords acquire a lumen and become the seminiferous tubules. ठीक है, cords से वो tubules बन जाती हैं जब उनका lumen develop हो जाता है. At about the same time, primordial germ cells give rise to spermatogonial stem cells. अब primordial germ cells जो के migrate हुए थे from the yolk sac to the developing gonads, और developing gonads जो के genetically male थे, तो क्या होगा? ये primordial germ cells will give rise to the spermatogonial stem cells. At regular intervals, cells emerge from this stem cell population to form type A spermatogonia. Our primordial germ cells जो थे वो divide, re-divide हो के क्या बनाएंगे? Type A spermatogonia. ठीक है? Spermatozoa जो है या sperms, mature sperms की जो initial stage है, वो type A spermatogonia. ठीक है? And their production marks the initiation of the spermatogenesis. ठीक, प्राइमोडियल जर्म सेल्स तो थे, ऑलरेडी थे, वो एट बर्थ भी थे, लेकिन जब वो प्यूबर्टी के करीब पहुंचा मेल बेबी या मेल चाइल्ड, तो प्यूबर्टी के करीब जब आया तो क्या हुआ कि उसमें वो ये स्पर्मेटो प्राइमोडियल जर्म सेल्स थे, ये डिवाइड होके सक्सेसिव उनकी जो जनरेशन होगी वो स्पेसिफिक टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म करेगी, एंड देयर प्रोडक्शन मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। Type A cells undergo a limited number of mitotic divisions to form the clones of cells. अब ये इतनी ज़्यादा divisions further नहीं करेगा, obviously ये type A dark होंगे, pale होंगे, और फिर type B spermatogonia बनाएंगे. The last cell division of the type A will produce the type B spermatogonia, which then divides to form the primary spermatocytes. ये आप इसके देखो ये events हैं. अगर आपको नजर आ रहा हो तो आप साथ अपनी book खोल लिया करो. उसकी बुक की डायग्राम्स आपको नजर आ रही होंगी, तो उसमें आप पढ़ सकते हो क्लियरली, यहाँ पे ये विजिबल नहीं है इतना क्लियर, टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम मैग्निफाई करके देखते हैं, ये देखिए टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमोडियल जर्म सेल से पहले डिवाइड रीडिवाइड होके टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बने, फिर टाइप ए में से डार्क टाइप जो थी वो फिर फर्दर डिवाइड होके पेल टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, ठीक है, टाइप ए
स्पर्मेटोगोनिया भी डिवाइड रीडिवाइड होके फर्दर फिर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। ठीक, अब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फिर डिवाइड होके फर्दर बाय माइटोसिस सॉरी बाय मियोसिस तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, मियोसिस वन और फिर मियोसिस टू जैसे भी होगा आगे फर्दर आपको मैं बताती हूँ कि मियोसिस वन मियोसिस टू जैसे होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे फिर प्राइमरी जो है फर्दर रीडिवाइड होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। आगे जो है उसी को बड़ा करके मैंने इलाहदा कर दिया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो अर्ली स्पर्मेटेट्स बनाएंगे, फिर अर्ली स्पर्मेटेट्स जो है वो फर्दर मेच्योरेशन जो आगे से वो स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें होगी फर्दर वो मेच्योर स्पर्म्स बनेंगे जिसमें से इनका साइटोप्लाज्म जो है वो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म शेड ऑफ हो जाएगा और ये मेच्योर फॉर्म ऑफ द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स वो ये होगी फाइनल फॉर्म। ये रेजिडुअल बॉडीज है बेसिकली दीज आर द साइटोप्लाज्म। एक बात आप नोट करो कि ये सारे के सारे ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े ये इसमें ये इनफैक्ट जुड़े हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, डीएनए ऑफ साइटोप्लाज्म इज इनकम्प्लीट जब तक ये मेच्योर स्पर्म्स बन के ये रिलीज नहीं होते, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जितने भी ये देखो अगर ये सारे जितने भी डिवाइड रीडिवाइड हो गए ये एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो टाइप ए था उससे डिराइव हुए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स देन एंटर अ प्रोलॉन्ग प्रोफेज। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसमें कौन से हैं, ये वाले हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ से सेकेंडरी में जाने से पहले इसमें ये प्रोलॉन्ग जैसे वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया एंटर हुआ था लेकिन वो तो डिप्लोटिन स्टेज में चला गया था अनलिमिटेड पीरियड के लिए, उसका कुछ पता नहीं कि वो कब जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम बना था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स देन एंटर अ प्रोलॉन्ग प्रोफेज ऑफ 22 डेज फॉलोड बाय रैपिड कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें जो प्रोलॉन्ग फेज है प्रोलॉन्ग पीरियड जो इसकी जो फेज प्रोलॉन्ग है सबसे ज्यादा वो प्रोफेज है और 22 डेज का है, उसमें तो अनलिमिटेड आप 40-50 इयर्स तक वो डॉर्मेंट रहता है डिप्लोटिन स्टेज में। ठीक है, मियोसिस वन की प्रोफेज वन आप कह सकते हो फॉलोड बाय रैपिड कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वन एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। During the second meiotic division, these cells immediately begin to form haploid spermatids. ठीक है, अब ये देखेंगे हम spermatids में और spermatocytes में क्या difference है। ये आप देखें, ये type B, pale type A spermatogonium से type B spermatogonium बना था। ये further divide, re-divide होके क्या बनाएगा? Primary spermatocytes. Primary spermatocytes फिर resting phase में चले जाएंगे कितने? प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन वही है ऑब्वियसली, इसकी 22 डेज की रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे। उसके बाद ये फर्दर जब एक्टिव होकर डिवाइड होंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब वो उसकी कंप्लीट हुई है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर डिवाइड होगा बाय सेकेंड मियोटिक डिवीजन और ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स की आप शक्ल शेप देखें कि ये इससे साइज में छोटा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये 22 डेज तक आपको ये परसिस्ट करता है। इसलिए जब आप क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या टेस्टिस का आप देखते हो तो उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आप ड्रॉ करते हो लेकिन सेकेंडरी आप लेबल नहीं करते क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है, ये फौरन ही सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेबल कर भी सकती हो, थ्योरेटिकल अगर होना है तो कर भी सकती हो, नहीं करना तो ना करें, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। थ्रू आउट दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम टाइप ए सेल्स लीव द स्टेम सेल पॉपुलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, जैसे मैंने आपको बताया था साइटोकाइनेसिस इज इनकम्प्लीट सो देयर सक्सेसिव सेल जनरेशंस दे आर जॉइंड बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ठीक है, वो आपस में वो शेयर कर रहे हैं सारे अपना साइटोप्लाज्म ब्रिजेस से बने हुए हैं, नैरो से जंक्शंस बने हुए आपस में साइटोप्लाज्म के वो ज्वाइंट सारे जुड़े हुए। दस द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म अ क्लोन ऑफ जर्म सेल्स दैट मेंटेन द कॉन्टेक्ट थ्रू आउट डिफरेंशिएशन। फर्दरमोर स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटर्स रिमेन एम्बेडेड इन डीप रिसेसेस, जैसे आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं सर्टोलाइज सेल्स के उसमें एम्बेड रहते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटर्स थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट। In this manner, sertoli cells support and protect the germ cells and उनको support कर रहे हैं, protect कर रहे हैं and participate कर रहे हैं उनकी nutrition में
एंड असिस्ट इन द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ऑलमोस्ट चार फंक्शंस आपने सर्कुलर सेल्स के यहाँ देख ली। जूलॉजी में ये आपसे आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्कुलर सेल्स। ये है एक सर्कुलर सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ये स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन या स्पर्मेटोगोनिया, ये डार्क टाइप है, ये पेल टाइप है, ये फिर डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, डिवाइड रीडिवाइड होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए इसमें सेकेंडरी उन्होंने शो नहीं किया, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है, फिर ये स्पर्मेटर्स उन्होंने शो कर दिए, ठीक, स्पर्मेटर्स, और फिर ये मेच्योरिंग स्पर्मेटर्स और ये मेच्योर स्पर्म्स। ये सारे के सारे ये जो इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है सर्टोलाइज सेल्स के, उनके अंदर एम्बेडेड है। तो सर्टोलाइज सेल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहा है, ये इस एक सेल का प्रोसेस यहाँ तक है, ये दूसरे सेल का प्रोसेस इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एक सेल का प्रोसेस यहाँ तक है, ये दूसरे सेल का प्रोसेस इधर स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने पूरा दिखाया नहीं है कि एक सेल इधर भी दिखा देते, ठीक है। तो ये उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के अंदर एम्बेडेड है, ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर इनको असिस्ट करेगा कि मेच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज होंगे फिर इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेगमेंट टेस्टिकल्स। ठीक है, नाउ स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटिड बने हैं अभी तक, ठीक, स्पर्मेटिड बने हैं। तो अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? द सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ। ट्रांसफॉर्मेशन होगी यानी कि जो फॉर्म बन चुकी है उसकी फॉर्म चेंज होगी इनटू द स्पर्मेटोजोआ। ये फॉर्म थी स्पर्मेटिड की और ये ट्रांसफॉर्म होके ये इस तरह से फाइनल इसकी फॉर्म होगी, मॉर्फोलॉजी इसकी फाइनल शेप चीज होगी। ये था स्पर्मेटिड, ये इसकी चेंजेस आएंगे, भी हम ये अर्ली स्पर्मेटिड कहेंगे, ये इसको लेट स्पर्मेटिड कहेंगे और ये मेच्योर स्पर्मेटोजोआ कहेंगे। ये देखें स्पर्मेटिड मेच्योरिंग, मेच्योर हो रहा है और ये फाइनल शेप इसकी जो है, फाइनल शेप एक मेच्योर स्पर्म की या स्पर्मेटोजोआ की एक ही बात आई है। आप पढ़ते हैं क्या सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आ रहे हैं या इवेंट्स आ रहे हैं। दीज चेंजेस इंक्लूड स्पर्मियोजेनेसिस की चेंजेस या इवेंट्स जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्पर्मेटोइड्स को इनटू स्पर्मेटोजोआ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ये जो आपको डार्क कलर नजर आ रहा है, ठीक है, हेड पे, ये एक मेच्योर स्पर्म का हेड है, ये नेक है, ये मिडल पीस है और ये टेल पीस है। मैं आपको उसकी शेप पहले बता दूं, ठीक है, ये इसका पूरा ये स्पर्म का हेड है पूरे का पूरा। इसका एंटीरियर हाफ आप कह सकते हो, इसको हम एक्रोसोम कहेंगे। अब देखते हैं एक्रोसोम क्या होता है। ये वाला कंस्ट्रक्टेड पोर्शन इसका नेक है, ये मिडल पीस ऑफ टेल है, ये वाला जो है ये प्रिंसिपल पीस ऑफ टेल है और ये उसका एंड पीस ऑफ टेल है। ये सारी की सारी स्पर्म की टेल ही है और ये नेक है और ये हेड है, ठीक है। The changes include formation of the acrosome. Acrosome क्या होता है, which covers half of the nuclear surface and contains the enzymes that assist in the penetration of the egg या ovocyte and its surrounding layers, जो कि जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा थे, and इन सबको penetrate करता है during fertilization. तो first change क्या हुई, formation of the acrosome, spermatid. जब वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होंगे, एक्रोसोम बनेगा, कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है, ये कंडेंस होके एक पोल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडल पीस एंड टेल, वो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था, फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडल पीस एंड टेल एंड शेडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ज्यादातर साइटोप्लाज्म अपना शट ऑफ कर देगा एज रेजिडुअल बॉडीज दैट आर फेगोसाइटोज्ड बाय द सर्टेनाइज सेल्स। वो उसकी जो भी रेजिडुअल बॉडीज में जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, सेलुलर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होंगे, वो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा सर्टेनाइज सेल, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये आप देखें, ये एक अर्ली स्पर्मेटिड है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, ये देखें कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस एक तरफ कंडेंस हो रहा है, इकट्ठा होके फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम,
ये उसके हेड पे, ये देखिए एक्रोसोम जो है एक साइड पे एंड पे हेड, वो एक्रोसोम कंडेंस हो रहा है जिसमें एंजाइम्स होंगे, और एक साइड पे टेल आपको ये बल्ज होती हुई नजर आ रही है बेसिकली, ठीक है। अब टेल जो है वो उसकी भी डिफरेंट वो उसके पार्ट्स बन जाएंगे, नेक के बाद जो उसका मिडल पीस है बेसिकली वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया अकेमुलेट हो जाते हैं सारे के सारे। ये देखिए ये जो मिडल पीस है ये आपको ब्लू ब्लू जो नजर आ रहे हैं ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको पता है क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है, और ये एटीपी जो है वो हेल्प करेगा इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्मेटोजोन, ठीक है। ये मोटाइल होते हैं ना, तो इनकी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, वो ये मिडल पीस जो नेक के बाद जो मिडल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी ले रहे हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम व्हिच कवर्स हाफ ऑफ द न्यूक्लियस सरफेस एंड कंटेन्स द एंजाइम्स टू असिस्ट इन पेनिट्रेशन ऑफ द एग एंड इट्स सराउंडिंग लेयर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सेकंड थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ नेक मिडल पीस एंड टेल, ये सारी के सारी टेल के ही वो नेक के बाद टेल के पोर्शंस हैं। शेडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड एज वेल एज रेसिड्यूअल बॉडीज दैट आर फैगोसाइटोस बाय द सर्टिलेसेंस। ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस पे भी लहदा से नोट नोट आ जाता है, यहाँ ड्रॉइंट लेबल आ जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप ये इनमें से कोई एक डायग्राम जो आपको इजी लग रही है वो आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। और ये उसका फुल स्ट्रक्चर है इसका स्पर्मेटोजोन। आपने हिस्टोलॉजी में क्या क्या पढ़ लिया होगा? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। अच्छा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, फिर आपने सरफेस सेल मॉडिफिकेशंस भी पढ़ ली होंगी मुझे। सरफेस सेल मॉडिफिकेशन एपिथीलियम की पढ़ ली आपने? कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया था। बेटे जो एपिथीलियम है एपिथीलियल सेल्स जो है उसकी सरफेस सेल मॉडिफिकेशंस पढ़ी होंगी ना, उसमें आपने वो आपने पढ़ी होंगी सीलिया 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 वगैरह वही, ठीक है। मैं वो इसलिए पूछना चाह रही थी आप काइनोसीलिया होते हैं, ठीक है। काइनोसीलिया बेसिकली वही सीलिया होते हैं जो मोटाइल होते हैं, ठीक। सरफेस सेल मॉडिफिकेशन में सीलिया होते हैं और क्या होते हैं, स्टीरोसीलिया होते हैं ना, स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया जो है वो स्टेराइल होते हैं, वो सीलिया की तरह के होते हैं लेकिन वो इमोटाइल होते हैं, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोविलाई सॉरी। और बताएं और आपने क्या पढ़ा सरफेस सेल मॉडिफिकेशन में? वैसे ही मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे तो नहीं पता ना कौन सा बच्चा बोल रहा है, और वैसे ही जिसको याद आता है वो बताता जाओ बताते जाओ, थोड़ा सा आपको वो भी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि आपका एम्ब्रियो हिस्ट्रो का टेस्ट भी तो है बाद में। चलिए बाकी आपको याद नहीं आ रहा तो सीलिया तो आपने पढ़े ना सरफेस सेल मॉडिफिकेशन, ठीक है। विलाय होते हैं ये माइक्रोविलाई होते हैं, ये होते हैं सीलिया होते हैं। तो सीलिया जो है बेसिकली जो सीलिया हम लफ्ज यूज करते हैं वो काइनोसीलिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो काइनो मीन काइनेटिक मूवेबल, मोटाइल होते हैं सीलिया। तो ये जो फ्लैजेला या टेल, इसका जो टेल है इसकी उसको फ्लैजेलम भी कहते हैं, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीलिया वाला ही होता है, ठीक है। उसके अंदर 9+2 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है सीलियम का, एक सीलियम का वही स्ट्रक्चर इसी का होता है, इसका होता है फ्लैजेला का, ठीक है। आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये जो है सीलिया वगैरह जब पढ़े हैं तो आपने इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम भी पढ़ी होगी। इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम में क्या होता है कि उसमें सीलिया मोटाइल नहीं होते, उनका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो आप फर्दर पढ़ लेना, वो थोड़ा सा डिफेक्टिव होता है। डाइनिन और काइनिन उसकी जो आर्म्स होती है वो थोड़ी सी डिफेक्टिव होती है, जेनेटिकली ही उसमें ये डिफेक्ट होता है जो ह्यूमन बींग है, तो वो सीलिया जो वो इमोटाइल हो जाते हैं, ठीक है। डाइनिन आर्म जो है उनकी कोई डिफेक्टिव होती है। ये माइक्रोस्ट्रक्चर सीलिया का बता रही हूँ, वैसे मैं लेक्चर से हटके आपको थोड़ा सा बता रही हूँ काम आएगा। तो जो सीलिया जब इमोटाइल हो जाते हैं का माइक्रोस्ट्रक्चर जब उसका डिफेक्टिव है, ठीक है, डाइनिन आर्म जब उसकी डिफेक्टिव है, फर्दर स्ट्रक्चर अगर मुझे जहन में होता तो मैं आपको सीलिया का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे वो दिखा देती। वो जब डिफेक्टिव होगा वो इमोटाइल होंगे, तो ये फ्लैजेला जो है फ्लैजेलम इसका स्पर्म का ये भी इमोटाइल होगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। जब ये इमोटाइल होगा तो ऑब्वियसली ये मोटाइल नहीं होंगे, तो ये कैसे जाएंगे, ये कैसे ट्रेवल करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक में और जाके ये कैसे ओसाइट को फर्टिलाइज करेंगे। तो इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम जो होती है वो सिंड्रोम, उसमें सीलिया जब इमोटाइल होते हैं तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है,
क्योंकि सीलिया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम में भी है, तो वो रिपीटेड उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी रहती है और वो स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जो है वो मोबाइल नहीं है, उनकी मोटिलिटी नहीं है, वो इनफर्टाइल होते हैं। ठीक, तो ये आप देख लेना इनफर्टिलिटी की एक कॉज में इमोटाइजेशन सिंड्रोम भी, उसकी डिजीज। ठीक, इन ह्यूमंस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर आवर स्पर्मेटोमेच्योर इनटू अ मैच्योर स्पर्मेटोजोन इज अप्रोक्सीमेटली 74 डेज। ठीक है, when fully formed what will happen, the spermatozoa will enter the lumen of seminiferous tubules. jab fully form ho jayenge to uske lumen mein enter honge, release honge from the satellite cells. from here where will they go? from there they are pushed towards the epididymis. ki shuru mein maine aapko first lecture jab start kiya tha to thoda sa maine aapko genital tracts jo hai wo dikhaye the, reproductive system ki diagrams dikhaye the. from the seminiferous tubules they are pushed towards the epididymis by contractile elements in the wall of the seminiferous tubules, and although initially only slightly motile, yes, spermatozoa jo initially slightly motile hote hain, ye full motility acquire karenge in the epididymis, fir wahan se ductus deferens aur fir aage se further towards the urethra. unka course maine aapko pehle hi bata diya tha route. abnormal gametes bhi ho sakte hain, normal jahan pe gametes hain wahan pe abnormal bhi ho sakte hain. abnormal gametes jo hain wo may be oocytes and these abnormal gametes may be spermatocytes, but mostly jo abnormal gametes hain wo mostly jo hain wo spermatocytes hote hain. oocytes jo rarely wo abnormal hote hain, unme aur bahut si infertility ki female mein causes hoti hain. in humans and in most mammals one उसमें यूजुअली एक ही आपने देखा था ओसाइट था मैच्योर जब हुए थे. ठीक है, इन ह्यूमंस एंड इन मोस्ट मैमल्स वन ओवेरियन फॉलिकल ओकुलियल, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कंटेन्स टू और थ्री क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल प्राइमरी ओसाइट्स. ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि टू या थ्री डिस्टिंग्विशेबल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो टू या थ्री प्राइमरी ओसाइट्स होंगे. Although these oocytes may give rise to twins or triplets, लेकिन ऐसा होता नहीं है. They usually degenerate before reaching the maturity. ठीक, एक ही उसमें से वो mature होके वो release होते हैं. और अगर दो होते हैं तो वो at a time दो follicles जो mature होते हैं दो release होते हैं. एक follicle से दो तीन oocyte release नहीं होंगे. They usually degenerate before reaching maturity. Rare उसने कैसे? In rare cases, one primary oocyte. ये बिल्कुल ही rare cases हैं. वो occasionally था. ये बिल्कुल ही rare है. तो क्या होता है कि one primary oocyte contains two or even three nuclei. Such binucleated or trinucleated oocytes die before reaching maturity. ठीक है? ये maturity पे आने से पहले ही ये मर जाते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं होते, normal नहीं होते. अब एबनॉर्मल गैमेट्स जो मेल में होंगे इन कंट्रास्ट टू एटिपिकल ओसाइट्स, मैंने आपको बताया था कि एटिपिकल ओसाइट्स पर वेरी रेयर है. एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ आर सीन फ्रीक्वेंटली. ठीक है, और उसने कहा है कि एंड अप टू 10% ऑफ ऑल स्पर्मेटोजोआ हैव ऑब्जर्वेबल डिफेक्ट्स. ये भी तो मिलियंस में रिलीज होते हैं ना, तो उनमें से 10% अगर ऑब्जर्वेबल डिफेक्ट्स होंगे भी तो इट डजंट मैटर. द हेड और टेल, अब डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? द हेड और टेल मे बी एबनॉर्मल, या तो उसका हेड एबनॉर्मल हो सकता है या उसकी टेल एबनॉर्मल हो सकती है. ये देखें, ये इसका हेड बहुत बड़ा है और इसकी टेल बहुत छोटी है. ठीक है, ये हटके हैं नॉर्मल से, या आप देखें कि डबल हेड है, दो हेड है, ये सारे एबनॉर्मल है. ये जो है ये फिर ये फर्टिलाइजेशन, ये आगे से फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो ये वैसे ही अपनी जमाने की जो दौड़ है उसमें ये पीछे रह जाते हैं. द हेड और द टेल मे बी एबनॉर्मल, स्पर्मेटोजोआ मे बी जॉइंट और ड्वार्फ, बहुत बड़े भी हो सकते हैं या बहुत छोटे भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स दे आर जॉइंट टू जुड़े होते हैं. ठीक है, स्पर्म्स विद मॉर्फोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज लैक नॉर्मल मोटिलिटी, नॉर्मल मोटिलिटी नहीं होती, स्लगिश होंगे, एंड प्रॉबली डू नॉट फर्टिलाइज द ओसाइट्स. तो नॉर्मल जो होते हैं, जो बेस्ट सर्वाइवल होते हैं, वही जाके वो फर्टिलाइज करते हैं ओसाइट. ये आज का आपका लेक्चर था स्पर्मेटोजेनेसिस एज कम्पेयर टू ओजेनेसिस, काफी छोटा था. अब कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लो. फॉलिकल वो तो बड़े से पहले बन गए और उसके बाद जो ग्रोइंग फॉलिकल और उसके बाद
ग्रोइंग फॉलिकल के बाद प्राइमरी फॉलिकल जो बनते हैं वो कब बनते हैं मैडम? वो तो वो जो है वो प्यूबर्टी में बनने शुरू होंगे ना, मैच्योर फॉलिकल में वैसे फॉलिकल और वो बनेंगे ग्रेफियन एंड फॉलिकल। तो मैम ये जो मैच्योर होना शुरू होते हैं जाके प्यूबर्टी में, यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल जी मैम मैंने किया था, यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल तक वो रहते हैं पुबर्टी में, फिर पुबर्टी में जाके फर्दर मैच्योरेशन होती है ये सारी जी। तो ये जो प्राइमरी ओसाइट से कर एंड पे पोलर बॉडी और ये सेकेंडरी ओसाइट्स बनते हैं, ये किस फॉलिकल में चेंज आ रहे होते हैं? ये प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल में ये डिवीजन हो? ये आ गया, ये जो है ये डिवीजन जो है वो आपको मैंने दिखाई थी वो इसमें आ रही होगी, ये देखिए ये तो इसका आप जोना पेरोसिडा भी बना हुआ है, ये इसके सारे कोरोना रेडिएटा भी बना हुआ है, ये जो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है ना ये उसमें फिर ये फर्दर तो ओसाइट की बात कर रहे हो ना आप, मैं फॉलिकल की बात कर रही हूँ, ये तो मेच्योर फॉलिकल में फिर ये फर्दर चेंजेस आएंगे, ठीक है? ओसाइट जो मेच्योर होगा वो मेच्योर फॉलिकल में जाके मेच्योर होगा, ठीक है? सॉरी मैम आपकी आवाज ही नहीं आई, कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से कट कट के आवाज आई है, एक बार फिर बता दें प्लीज। मैडम मैं कह रही थी कि ये अब जो ओसाइट की मैच्योरेशन है ना वो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में होगी, उससे पहले ऐसी मैच्योरेशन नहीं होगी। ओके मैम समझ आ गई है, ठीक है? ये देखो ना ये अभी तक ये जो है ये डिवीजन इसमें स्टार्ट नहीं हुई, आप देखो जी जी आप सीक्वेंस अपनी बुक से ये डायग्राम देते जाओ, कलर वो बुक लिया करो एम्ब्रियोलॉजी की जो है ना, कलर बुक सबसे बेस्ट है वरना आपको पता नहीं चलेगा। वैसे तो आजकल पीडीएफ के सोर्स कॉपीज भी अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड जी। और मैम और जी मैम इज देयर एनी स्पेशल रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ? बेटी वो अब अगर आप फर्ज करो कि एक था ओवोसाइट और एक स्पर्मेटोजोआ जो है एक स्पर्मेटोजोआ वो प्रोड्यूस हुआ, तो इसके लिए आप देखो कि कितना वो एग्जैक्ट होना चाहिए कि वो जो सेमिनल फ्लूड है वो पूरे का पूरा ही इंजेक्ट होना चाहिए फीमेल जेनिटल ट्रैक में, और वो पूरे का पूरा फ्लूड उसमें कहीं एक स्पर्म जो है वो मे भी जेनिटल ट्रैक की किसी वॉल के साथ चिपक जाए, वो मे भी आउटसाइड डिस्चार्ज हो जाए, वो मे भी रेजिडुअल उसके जो ड्रॉप्स है उसमें रह जाए, एक स्पर्म तो वो नहीं फर्टिलाइज कर सकेगा, और वो जो बाकी स्पर्म्स हैं जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं वो उसको जो फास्ट रनिंग होता है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसकी लेग पुलिंग नहीं कर रहे होते, वो जो फास्ट रनिंग है बाकी वाले उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं रनिंग में, जो आगे ये दौड़ में आगे जा रहे होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप कोई वीडियो देखो ना फर्टिलाइजेशन की तो आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके मैम ठीक हो गया, ये कहना था मैम सब जो स्टेज है ईद के बाद उसको थोड़ा डिले कर दें जी। जी आप क्या कह रहे हैं मैम? वीडियो के भी लाइव आ गया, बहुत बटन पड़ गया पे और ईद भी नहीं सही गुजर पाएगी मैम। ईद पे आपने क्या करना है? आपने सिर्फ नमाज ही तो पढ़नी है, पहला दिन ईद का होता है इस पे आपने नमाज पढ़नी है, आपने कौन सा कैसे बात कर रहे हैं? मैम ये पहले दिन ही सारे मिलना मिलाना आपका पहले दिन ही होता है ना? इतनी भी क्या जल्दी? हाँ, पहले दिन चौथे दिन भी आ जाते हैं, दो दिन आप ईद के रख लो। सबसे फिर आपने स्टेज भी इतनी जल्दी बेटा आपकी आवाज एक कट के आ रही है, एक बहुत आहिस्ता है दूसरी बहुत आहिस्ता है। एक तो ऑलरेडी सब टेस्ट है वाइव है और उसके बाद ईद के फौरन बाद स्टेज है उसके बाद फिर वाइव है। आपने साथ साथ पढ़ा होगा, आपको आता होना है, ऐसे लगता है कि नहीं आता लेकिन आपको आना होगा। मैम इसलिए मेरा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा सर,
क्या नहीं हो रहा, मुझे आपकी आवाज बेटे कट कट के आ रही है, क्लियर बताओ क्या जो कुछ पूछने ऐसे में पूछा, मुझे मैसेज ना किया क्या मैडम? सो बातों की एक बात, वो कह रहा है कि सब स्टेज जो है ना वो डिले करवा दें। और कितनी डिले, कितनी आगे करना चाहते हो मैम? सब स्टेज नहीं, एक स्टेज स्टेज मैम, एक हफ्ता तो दें आप, तो ये तो बात एक हफ्ता चाहिए आपको। यस मैम, 14 अगस्त दो हफ्ते आप लंबी लंबी ना छोड़ो। चलो मैं मैम तहरीन के साथ दोबारा मीटिंग करूंगी, जितना हम और वैसे इस उम्मीद में रहना ना कि हम डिले करेंगे, हम देखेंगे अपने टाइम टेबल को, बाकी कॉलेजेस की स्टेजेस वगैरह कब हो रही हैं। सारों की अब कितनी देर बाद है, सारों की तकरीबन कायदे-ए-आज़म के अलावा स्टेजेस पड़ी हैं। मैम उनकी तो सब स्टेजेस भी नहीं अभी स्टार्ट हुई और आप स्टेज का पूछ रही हैं। हाँ तो हम बढ़ा भी तो रहे ना बच्चों, आप आप सोच ना हम रोजे के साथ जो हमारा हाल होता है, क्वेश्चन हर बच्चे के साथ, पिछली दफा तो 18-18 बच्चे थे फर्स्ट ईयर के। पैटर्न क्या होगा स्टेज का, इसमें क्या क्या होगा? बेटे स्टेज का पैटर्न एमसीक्यूज होंगे सिर्फ, उसमें आपने एसक्यूज तो करने नहीं, वो तो आप कर भी नहीं सकते। तो MCQs है वो, अगर आपने स्टडी रीड किया होता वो होता है जब आपने, तो आपको फौरन क्लिक कर जाते हैं MCQs जो है। वाइवा हमने कोई प्लान नहीं किया अभी तक, तो नहीं किया। अब देखो जैसे आप MCQs करते हो तो आपके जेहन में एकदम से आता है ना कि जैसे MCQs में आपको बताने लगी हूँ कि बाइसेप्स ब्रेक क्या है, उसकी 5 ऑप्शंस दी हुई है, जैसे कि उसकी नर्व सप्लाई क्या है, ये तो आपको आती है ना, फौरन आपको क्लिक कर